सोलन में श्री राजकीय राजपूत कर्णी सेना द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता की अध्यक्षता प्रदेश महासचिव मुकेश खुरांटा ने की। उन्होंने बताया कि उनका संगठन सामाजिक समरसता बनाए रखने और क्षेत्रित्व कौम का नेतृत्व वर्चस्व कायम रखने हेतु 35 कौम को साथ लेकर चल रही है। उन्होंने बताया कि राजपूतों में एकता कायम करके रखना उनका मुख्य उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य राजपूत इतिहास की रक्षा करना है। उनका संगठन राजपूत महिलाओं को शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयासरत रहता है। वहीं राजपूतों के हितों के लिए लड़ना और उनको आरक्षण दिलवाना उनका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसलिए इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठन का हिमाचल में भी गठन किया जा रहा है। सोलन में धर्मवीर नेक्टा को कर्णी सेना का जिलाध्यक्ष आज चुना गया। सोलन में श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना के प्रदेश महासचिव मुकेश खुरांटा ने बताया कि हिमाचल के करीबन 5 जिलों में उनका संगठन काम कर रहा है। सोलन में जिला में आज कार्यकारिणी का गठन कर दिया गया है, जिसमें धर्मवीर नेक्टा को जिलाध्यक्ष चुना गया। उन्होंने बताया कि राजस्थान में संगठन का निर्माण किया गया था। उन्होंने बताया कि गौ सेवा करना और सनातन धर्म की रक्षा करना उनकी प्राथमिकता है। वहीं सरकार के साथ मिलकर सामाजिक कार्य करने में उनका संगठन हमेशा अग्रसर रहता है। मैं मुकेश खुरांटा, प्रदेश महासचिव श्री राष्ट्रीय राजपूत कर्णी सेना। आज हमने हिमाचल में जो ये संगठन शुरू किया था, तो आज 4-5 डिस्ट्रिक्ट में हमने कवर कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट सोलन में हमने ये संगठन शुरू आज से ही है। मेरे फ्रेंड, मेरे बड़े भाई धर्मवीर नेक्टा जी, आज हमने इनको ही यहाँ संगठन का जो अध्यक्ष बनाने की सोची है। तो हमारा जो ये संगठन है, ये राजस्थान से शुरू है। ये राजस्थान के मेवाड़ की धरती से राजपूतों का माँ करणी के मंदिर में इस संगठन की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका नाम जो माँ करणी है, देवी है, उनके ही नाम पे ये संगठन का नाम पड़ा है। ये संगठन को काफ़ी बहुत साले हो गई है। ये 24 स्टेटों में संगठन आज के डेट में पूरे भारतवर्ष में चल रहा है। ये हिमाचल में हमने शुरुआत 2 साल अभी हुई है। तो इसमें जो हमारा मकसद ज़्यादा सोशल वर्क का रहता है, ज़्यादा इसमें सोशल वर्क होते हैं, जैसे गौ सेवा है, अपने सनातन धर्म की रक्षा है, और कोई किसी भी गवर्नमेंट के साथ या किसी प्रशासन के साथ हाथ मिला के कोई भी सोशल वर्क करने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। सोलन से आज मेरी शुरुआत है। पहले महिला विंग में मेरे साथ कुछ लड़कियां जुड़ी थी, आज जो ये मेल विंग है वो है, वो आज से ही शुरुआत यहाँ पे हम करने जा रहे हैं। हमारे को संगठन का चलाने का यही उद्देश्य रहा है कि हमारा जो अपना स्वर्ण समाज है, इसको एक करने का हमने जो बेड़ा उठाया है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा सुखदेव सिंह गोगामढ़ी ने उठाया, हम भी उनके दिशा निर्देश पे उनके साथ साथ चल रहे हैं।